और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बलरामपुर से आ रही है AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा, शोषित वंचित समाज इजलास को खिताब करेंगे। ओवैसी के आवामी जलसे को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे बलरामपुर से, जहां पर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा होने जा रहा है। इस दौरे के दौरान वो शोषित वंचित समाज को खिताब करेंगे, इजलास को यह खिताब करते हुए नजर आएंगे। ओवैसी के अवामी जलसे को लेकर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। वाजह रहे कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पार्टी को इख्तदार में लाने के लिए, या ये कहें कि अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार वो कोशिशें कर रहे हैं, तकारीब कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अवामी रैली कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने की हर वो कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनके जरिए जो तकरीब हो रही है उसमें जो आवाम आ रही है वो भीड़ वोट बैंक में बदल सके। और इसी के पेश नजर बलरामपुर में AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा होने जा रहा है, जहां वो शोषित वंचित समाज इजलास को खिताब करेंगे। ओवैसी के आवामी जलसे को लेकर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाजह रहे कि ओवैसी जहां भी जाते हैं उनकी रैली में भीड़ तो बहुत ज्यादा नजर आती है, लेकिन अगर हम 2017 को याद करें तो पहले भी उनकी रैलियों में, उनके खिताब में बहुत ज्यादा भीड़ नजर आती थी, लेकिन वो भीड़ वोट बैंक में तब्दील नहीं हो पाई थी।